आप लोग ओपन करें, और क्वेश्चन ये है, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देने वाला हूँ अभी, जो आपने अभी परफॉर्म करनी है, ठीक है, आज के लेक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले इसको जरा 2 मिनट देख लें, उसके बाद शुरू करेंगे। तीन चार्जेस हैं, एक 2q, एक -q, एक -q इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर प्लेस करती है, 60 60 60 डिग्री। ध्यान से देखना प्लीज, क्वेश्चन है नेट डायपोल मोमेंट निकालो सिस्टम का। अब डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है? पी, छोटा पी। डायपोल मोमेंट ढूंढने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा डायपोल। डायपोल का मतलब प्लस एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, डायपोल। तो मैंने सर्च करना शुरू किया -q -q, क्या ये डायपोल है? नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट जरूरी है। फिर मुझे समझ में आया -q एंड 2q, मुझे लगा नहीं है, -q एंड 2q नहीं है, क्योंकि -q और q तो मानना पड़ा हमें, कि -q और q तो होगा डायपोल। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूं, जो 2q है, 2q को मान लेते हैं, q और q चार्ज इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो अपने मन में सोचो q एंड q चार्ज है, तो -q एंड q एक डायपोल बनाएगा। डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम -2 पॉजिटिव, और -q और q एक और डायपोल बनाएगा, -q से q एक और डायपोल मोमेंट, p एंड p। तो इसमें कितने डायपोल दिख रहे हैं आपको? दो, -q q -q q, राइट। और डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम -2 पॉजिटिव, इसलिए एक वेक्टर यहां, एक वेक्टर यहां, एट एन एंगल ऑफ कितना? 60। अब क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट वैल्यू क्या होगी? पी की अंडर रूट ऑफ p² 2pp cos 60। cos 60 क्या होता है? हाफ, 2 से 2 कैंसिल, 2p² + p² 3p² 3 का √ (p), √3 (p) आ जाएगा। तो यहां पर √3 (p) में p क्या होता है बोलो? q (2a) इंपॉर्टेंट है, इसमें 2a नहीं, क्योंकि डायपोल के बीच में डिस्टेंस यहां पर 2a की जगह a, तो बोलो डायपोल मोमेंट क्या होगा? p = q (a), तो यहां पर q(a), तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर इस टाइप का सिस्टम आएगा तो डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है? नेट गुड आउट, इसमें क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, जिनको वो रिजल्ट याद है, कौन सा? डायपोल मोमेंट के एनी पॉइंट पे ई कैसे निकलता है, उनके लिए ये बिल्कुल सही है, जिनको एकदम एक एक चीज क्लियर है, नहीं क्लियर तो उलझ जाओगे। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन रादर समझाने से भी पहले मैं आपको एक बार पहले रिवाइज करवा दूं, हमने क्या किया था इस केस में, जरा ध्यान से देखना प्लीज, आगे देखो प्लीज। ये याद है लास्ट टाइम रिजल्ट हुआ था, इस रिजल्ट के अंदर हमने ये किया था कि अगर ये डायपोल मोमेंट है पी और मुझे थीटा एंगल पर इस पॉइंट पर नेट ई निकालना है, तो ये एक्सीएल और इक्वेटोरियल का कॉम्बिनेशन था। फिर हमने कहा जो नेट ई और नेट ई रहा, नेट ई ने की डायरेक्शन के लिए हमने अल्फा लिया था, और ये एंगल क्या होता था? थीटा। थीटा एंगल पर ये पॉइंट पी है, और अगर आपको ये रिजल्ट याद हो, अल्फा और थीटा का रिजल्ट आया था, क्या रिजल्ट आया था बोलो? टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इनटू टेन ऑफ थीटा। रिजल्ट देख लिया, ठीक, ये रिजल्ट हमने लास्ट टाइम किया, मैं रिपीट कर रहा हूं इस डायग्राम को देखते हुए, टेन अल्फा इज हाफ इनटू टेन ऑफ थीटा, वेयर थीटा कौन सा एंगल है? डायपोल के सेंटर पे एंगल है ये वाला, थीटा कौन सा एंगल है? डायपोल के सेंटर पे एंगल है, ठीक। लो क्वेश्चन देखो, अब 2 मिनट का काम है। अब क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा डायपोल, ठीक। अ पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिन, पॉइंट पी ओरिजिन से, या ओरिजिन ओ मार्क कर लो प्लीज, ओ ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट पी, ठीक, और कितने एंगल पर है? ओपी मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 3, तो ये ओपी है, ओपी मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 3, तो कायदे से वही रिजल्ट नहीं होगा जो अभी डिस्कस कर रहे थे, वो कौन सा? कि अगर ये एक डायपोल है, ये डायपोल है, और मुझे 20 सेंटीमीटर दूर एट एन एंगल ऑफ पाई बाय 3 मुझे ई गिवन है, तो यानी कि ये टॉपिक फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वाला टॉपिक है, तो रिलेट कर पा रहे हो टॉपिक कौन सा है? पहला पॉइंट क्लियर है, टॉपिक पता लग गया।
फिर उसके अंदर वो एक और स्टेटमेंट देता है, ये पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो अब पिछला डायग्राम था, मैं दो मिनट उसको फिर से दिखाना चाहता हूं। ये देखो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ये रहा, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ड्रॉ कर लें, ई वेक्टर ये रहा, नेट ई, ई वेक्टर का मतलब नेट ई, मेक्स एन एंगल ऑफ, क्वेश्चन पढ़ना इसी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैंने पीछे किया तो एक्स एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बना दिया, थीटा। डायग्राम समझ में आया सबको कि क्या डायग्राम है? ठीक, मैं रिपीट करता हूं, डायपोल है, पाई बाई थ्री एंगल पे 20 सेंटीमीटर दूर पॉइंट पी है, यहां तक तो क्लियर है, इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता होगा। अब जिसको तो वो थ्योरी याद है पूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ बनता था, तो उसने ई वेक्टर बना लिया, इसने एक लाइन ऐड कर दी, ई वेक्टर ने एंगल थीटा बनाया विद एक्स एक्सिस। अब एक प्रॉब्लम इसमें कहां आती है, हमने रिजल्ट याद किया हुआ है, टेन अल्फा इज हाफ इंटू टेन ऑफ थीटा। हाँ, अब अल्फा तो बाद की बात है, थीटा चेंज कर दिया उसने, हमारा थीटा डेरिवेशन में ये थीटा था, उसने उठा के ये थीटा कर दिया, और मेरे को रिजल्ट क्या याद है, टेन अल्फा। अब टेन अल्फा के अंदर अल्फा कहां से आ गया, याद करो ये पैरेललोग्राम बना करता था अभी, ये देखो ये क्या होता था अल्फा, ये अल्फा तो वर्टिकली ऑपोजिट से, ये भी अल्फा, ठीक है। तो टेन अल्फा का रिजल्ट क्या था, हाफ इंटू टेन ऑफ क्या, थीटा, थीटा मत बोलो, टेन ऑफ दिस एंगल बोल दो, क्योंकि रिजल्ट तो डेरिवेशन में यही था ना, टेन अल्फा इज हाफ ऑफ दिस एंगल, तो एंगल कितने हैं, पाई बाई थ्री, क्योंकि थीटा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ गया यहाँ तक? तो पहला ये स्टेप समझ में आया सबको कि टेन ऑफ अल्फा इज हाफ इंटू टेन ऑफ पाई बाई थ्री, क्यों, टेन पाई बाई थ्री यानी कि 60 डिग्री, टेन 60 क्या होता है, रूट थ्री, रूट थ्री बाई टू, और अल्फा क्या होगा, टेन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। लेकिन मुझे अल्फा निकालना ही नहीं, मेरे को क्या निकालना है, थीटा, ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाई थ्री, तो अल्फा पता है आंसर। ठीक, बस तभी कहते हैं एनसीईआरटी जरूरी है, जो प्रूफ सही करके आएगा उसको एक एक एंगल क्लियर दिख रहा होगा उस ठीक लगा देगा, ठीक। और तभी कहते हैं लिखना भी जरूरी है, लिखेंगे तो एंगल्स भी याद होंगे, कौन सा एंगल कब बनाया था, लिखेंगे नहीं तो बस एंगल तो सारों को पता होता है, थीटा ही होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन यहां तक कोई डाउट इसमें? और ये आपके लिए क्वेश्चन है, तीन डायपोल है, एक दो तीन, डिस्टेंसेस गिवन है, आपको मुझे पी पॉइंट पर नेट ई की वैल्यू बतानी है एक्स और क्यू की फॉर्म में, एक्स और क्यू की फॉर्म में, करो सॉल्व।
बोलो कितनों का आंसर आ रहा है 1/4 pi epsilon naught क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब 1/4 pi epsilon naught 2 q/x³ 1/4 pi epsilon naught 3 q/x³ कितनों का जीरो जीरो सही है देखो देखो सपोज माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लस क्यू ठीक है और जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है जहां पर हमें निकालना है डायपोल मोमेंट वो यहां पे है कुछ मिड पॉइंट है ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है सच दैट दिस इज एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स कितने डायपोल हैं तीन पहला डायपोल ये रहा डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पी वेक्टर ये पॉइंट इसके लिए कौन सी लाइन पर है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल तो इसका ई का कंट्रीब्यूशन इस तरफ होगा कितना 1/4 pi epsilon naught क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कोई डाउट इसमें क्योंकि 180 पे होता है ना अगर डायपोल मोमेंट राइट है तो ई की वैल्यू इसमें लेफ्ट है 180 पे ये स्टेप क्लियर है इक्वेटोरियल इसकी बात करते हैं इसके लिए भी ये पॉइंट क्या है इक्वेटोरियल तो डायपोल मोमेंट इसका भी कहां है इस तरफ तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी किस तरफ होगा इसी तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है कोई डाउट इसमें क्योंकि अगर डायपोल मोमेंट राइट है तो ई वेक्टर लेफ्ट है 180 ये भी स्टेप क्लियर है ये डायपोल का डायपोल मोमेंट है राइट लेकिन ये जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन है इसके लिए एक्सियल एक्सिस के ऊपर है अब एक्सियल का रूल क्या है जिस डायरेक्शन में पी है उसी डायरेक्शन में ई है तो अगर पी वेक्टर राइट है तो ई वेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी टुवर्ड्स राइट है और इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका एक्स तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन बोलो राइट की तरफ होगा कितना 1/4 pi epsilon naught 2 अच्छा मुझे आप पी लिखना चाहिए था सॉरी या मुझे पी लिखना चाहिए आई एम सॉरी 2p/x³ मैंने गलती से क्यों लिख दिया था फिर से ये एक्सियल लाइन है एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट है एक्सियल लाइन का क्या रूल है जिस डायरेक्शन में पी है उसी डायरेक्शन में ई है तो ई इधर होगा एक्सियल का फॉर्मूला 2p/x³ अब देखो इन्हें ऐड करेंगे जो कि इसके इक्वल हो जाएगा तो आपस में